नमस्कार किसान साथियों, मैंने पिछले 3-4 दिनों में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि क्यों डीएपी का एक बैग 1900 रुपये का हो रहा है। उसमें मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीएपी के जो मटेरियल है, जिसको फॉस्फेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, जिसके कारण एक डीएपी का एक जो बैग है वो 1900 रुपये का आएगा। लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डीएपी के एक बैग पर 500 रुपये सब्सिडी नहीं देके 1200 रुपये सब्सिडी देंगे, यानी 700 रुपये एक बैग की सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद में जब एक डीएपी का बैग 2400 रुपये का होगा, तो उसमें से 1200 रुपये तो किसान देगा और 1200 रुपये गवर्नमेंट देगी। वाकई में एक मैं बोलूँगा कि तारीफ करने वाला फैसला है। मैंने वो वीडियो इसलिए डाली थी क्योंकि उस दिन जिस दिन मैंने वो वीडियो डाली थी उसी दिन एमपी गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो अब किसानों को एमपी के अंदर 1900 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने इफ्को के उस लेटर की बात भी की थी जिसमें 1900 रुपये लिखे हुए थे, और मैंने ये भी बताया था कि जो ओल्ड स्टॉक है वो 1 या 2 महीने का, उसके बाद में जो होगा वो राम भरोसे होगा। लेकिन अच्छा ही हुआ है कि किसानों को 1200 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। मेरा मानना ऐसा है कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी पूरा किसान कौम उनके खिलाफ चल रही है। किसान कौम नहीं, इवन आज देश का आम आदमी भी उनके खिलाफ चल रहा है। कोरोना को उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया, इसलिए सारी चीज़ें उनके खिलाफ चल रही है। तो वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो उनके फेवर में आए, इसलिए उन्होंने 1200 रुपये डीएपी पर सब्सिडी देने का फैसला किया। और मैं ये मानता हूँ कि 1200 रुपये ज़्यादा नहीं है, इवन किसान के लिए 1200 रुपये बहुत है एक डीएपी के बैग के लिए, क्योंकि किसानों को तो उसकी एमएसपी भी नहीं मिलती। मैंने उस वीडियो में वो बोला था 93% किसान हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। अब मोदी जी के बड़े, अब कुछ न्यूज़ चैनल्स लिख रहे हैं कि बिग स्टेप ऑफ मोदी जी, सब्सिडी ऑफ डीएपी राइज्ड बाई 140%। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बड़ा स्टेप तो उस दिन होगा जिस दिन मोदी जी ये बोलेंगे कि एमएसपी अब देश के हर एक किसान को मिलेगी, और एमएसपी से कम अगर कहीं कोई फसल बिकेगी तो वो एक आपराधिक मामला होगा। उस दिन मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा। आज मोदी जी की क्या तारीफ करूं, अभी तो किसानों को वही 1200 पहले दे रहे थे, वही 1200 बाद में देने हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टमाटर सड़कों पे सड़ रहे हैं, जो तरबूज और खीरे जैसी फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, मंडियों के अंदर ऐसी फसलें पड़ी पड़ी गल रही है, इन सबको देख के कोई 1900 रुपये डीएपी खरीदने वाला तो था नहीं। इसलिए 1200 वाला काम ठीक किया। मैं ये भी बोलूंगा कि यूरिया पर भी सब्सिडी बढ़ाई जाए, उसके भी रेट ज़्यादा है, उसको भी कम किया जाए। और अभी मैं जस्ट न्यूज़ पढ़ी रहा था, तो मैंने द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ पढ़ी जिसमें बोला कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो डीएपी पर सब्सिडी को 140% बढ़ा रही है, बिग स्टेप। तो मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा क्या स्टेप ले लिया। देखी तो बोला कि अभी किसानों को एक्स्ट्रा पैसे अदा नहीं करने, 1900 से तो 1200 ही भले हैं। चलो ठीक है भाइयों, आज का ये अपडेट था, धन्यवाद।